This is a satsang from last year. I'll share with everyone. Guruji ki bahut blessing hui. I was really, really unwell one day, and I was very disturbed because there was nobody at home. And kai baar hota hai ki sab apne apne kaam mein busy hai, and husband was off to work, and I was all alone. I was so unwell. I was down with high fever, vomitings. Bahut bura haal tha. और मैं गुरु जी का ना जैसे व्हाट्सएप पे भी की रिसीविंग सत्संग, तो ही मेड मी रीड अ सत्संग अबाउट द येलो बटरफ्लाई स्वरूप ऑफ हिज. एंड ये किसी अंकल का सत्संग था जो उनकी दो छोटी डॉटर्स, दे वर लाइक प्लेइंग इन द गार्डन एंड दे वर आस्किंग कि पापा विल बी एवर सी गुरु जी. तो ही सेड यस व्हाई नॉट, बिकॉज गुरु जी तो सब जगह है, एंड इफ यू एक्चुअली हैव फेथ इन हिम he'll come in front of you, he'll just give you his divine darshans. So this happened, like they were playing and ekdam se they saw a yellow butterfly moving on their heads. Pehle ek ke upar gayi, fir dusri ke upar gayi, two sisters, and they were like jumped out of joy ki guruji ke bare mein aapne bataya tha ki unka ek swarup hota hai butterfly, yellow swarup, yellow butterfly ka swarup, and like peacocks they are all connected to guruji. तो पापा ये गुरुजी आ गए और ये सत्संग था. एंड कुछ उनकी उनके साथ कुछ हुआ ऐसा अंकल के साथ, तो ही वाज लाइक यू नो सी गुरुजी गेव यू दर्शन राइट अवे, अभी आप पूछ रहे थे और उन्होंने आपको दर्शन दे दिए. तो ये छोटा सा था. एंड उसके बाद आई वाज इन अ बैड शेप, तो आई कुडंट रीड, आगे भी था बट आई कुडंट रीड द एंटायर थिंग. एंड आई वाज लाइक गुरुजी आपने मुझे इतना रीड करवाया, अब आप आओ मेरे पास भी आओ, बिकॉज आई एम ऑल अलोन एंड आई नीड यू, यू आर आवर मदर, यू आर आवर फादर. तो मेरी मॉम तो अभी आ नहीं सकती बिकॉज वो शी इज़ आउट ऑफ टाउन एंड देर इज़ नो वन, बिकॉज इवन माई फादर इन लॉ ही वॉज हेयर एट दैट टाइम विद मम्मा. तो आई वॉज लाइक आप मेरी मम्मा हो, आपको आना पड़ेगा. एंड मैं जिद करने लग गई लाइक अ स्मॉल बेबी वुड डू. When I remember this, I still laugh at it कि मैंने क्या किया था गुरु जी के साथ, इतनी जिद करी और उन्होंने पूरी भी करी. मैं रोने लग गई एंड आई वॉज लाइक रियली गुरु जी मेरे से उठा नहीं जा रहा है, एंड आई नीड टू ईट माई मेडिसिन, प्लीज़ कम. एंड आपने ये रीड करवाया तो आप आओगे, आज आप मुझे अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाओगे. यू वॉन्ट बिलीव संगत जी वॉट हैपन, लाइक जस्ट आफ्टर 10-11 मिनट्स आई सॉ येलो बटरफ्लाई इन माई बालकनी. And she came, flew, she came towards the tulasi plant in the balcony and she came and sat on that plant. और वो जिस स्वरूप से मैं बातें करती हूँ गुरु जी के, वो जो पहला स्वरूप जिससे मैं कनेक्ट हुई, जो येलो चोली में है गुरु जी, वो मुझे मिले थे बड़े मंदिर से. तो आई गॉट कनेक्टेड विद दैट स्वरूप एंड मैं उन्हीं से बातें करती हूँ. इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ माई बेड साइड, द मोमेंट आई वेक अप आई सी हिम. So I was talking to that swarup of Guruji and yellow butterfly and yellow chola of Guruji. I was like, thank you so much, and I started crying. I was like, मुझे पता है आप आ गए, आप मैंने आप आपने मुझे रीड करवाया और आपने वही चीज़ मेरे साथ कर दी, आप आ गए गुरुजी, thank you so much. I started crying out of joy. I was happy. This was like, and the moment he came, that butterfly came and sat on the tulsi plant. I was like, अब जाना नहीं. आप आ गए ना, अब मेरे साथ रहो, बिकॉज देयर इज नोबडी. एंड यू वोंट बिलीव ही स्टेड. बटरफ्लाई की नेचर होती है शी विल कीप फ्लाइंग इधर से उधर, उधर से इधर, शी वोंट स्टे पुट एट वन प्लेस. बट गुरुजी ही सो स्वीट एंड कि वो रह गए, वो बटरफ्लाई रह गई पूरा टाइम. इट वॉज लाइक 3-4 आवर्स पास बाय. आई वॉज फीलिंग बेटर, आई स्टूड अप, आई मेड टी, गुरु जी को भोग लगाया, वो चाय प्रसाद बन गई. आई हैड दैट, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर. फिर आई प्रेड, आई सेड देखो आप आ गए, मेरे को कितना बेटर फील हो रहा है, वॉज नॉट एबल टू डू एनी थिंग एंड नाउ आई एम मेकिंग टी. मैं खड़ी हो गई गुरु जी. तो आप रुक जाओ थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, ऐसे जिद करके. एंड शी स्टेड, ही स्टेड, आई मीन आई से गुरु जी स्टेड, क्योंकि मेरे लिए तो वो गुरु जी का स्वरूप ही, गुरु जी खुद थे मेरे लिए वो. तो ये शाम के 6-7 बज गए एंड आई वॉज लाइक ओके नाउ आफ्टर सम टाइम सनी इज अबाउट टू कम माई हस्बैंड, सो थोड़ी देर और रुक जाओ. इट वॉज लाइक अ किड, जैसे एक बच्चा जिद करता है अपने पेरेंट्स के साथ, वही हाल था. और रुक गए गुरु जी स्टेड एंड देन सनी केम फ्रॉम वर्क. आई टोल्ड हिम, आई सेड सी व्हाट हैपेंड.
look, I'm not alone. And I'm feeling much better. And he was also happy ki subah jo hal tha aur ab jo tabiyat hai to bahut farak aa gaya yaar. Maine kaha ye inka kamaal hai. I was feeling much much better. And फिर रोटी प्रसाद गुरु जी को एक्चुअली बना के हम लोग जैसे भोग लगाते हैं तो लगाया और उस पर भी ओम आ गया. आई वाज लाइक थैंक यू सो मच गुरु जी, आज तो आप अपनी कृपा बरसा रहे हो. आपका बहुत थैंक्स है. बाय दैट टाइम आई वाज फीलिंग मच मच बेटर. फीवर भी उतर गया था मेरा. ही केम टू हील मी एक्चुअली. इफ वी गो डीपर इन टू दिस सत्संग तो ही केम टू हील मी. एंड ऑब्वियसली ये दिखाने के लिए कि मैं कितना संगत के साथ हूँ. संगत मुझे याद तो करे. जब वो बोलते हैं कि संगत ही मेरा परिवार है, मुझे याद तो करे. आई एम वेरी मच विद यू. एंड देन आई प्रे टू हिम कि गुरु जी प्लीज़ अब आप ना रुक जाओ थोड़ी देर, अब तो रात हो गई, सो जाओ यहीं पे, जाओ मत. एंड यू वोंट बिलीव आई जस्ट सेड इट जनरली, बट ही टेक्स इट सीरियसली. ही स्टेड होल नाइट ऑन दैट तुलसी प्लांट. मैंने कहा देखो मैं कितनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ. सुबह के 4 बजे फिर मैं उठी, तब भी थे, चेक करने के लिए उठ रही थी. आई कुड हैव अ डीप स्लीप बिकॉज आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड टू हैव हिम देयर कि यार आप इतने लाइव हो, आप ऐसे सुन लेते हो सच में. एंड ही स्टेड देयर. पूरी रात बीत गई, सुबह के 6-7 बज गए. आई वॉज लाइक गुरुजी थैंक यू सो मच, नाउ आई एम फीलिंग सो मच बेटर. बुखार भी उतर गया, अब तो हम बिल्कुल ठीक ही हो गई. तो एंड यू नो माई हस्बैंड जब तक वो काम पे नहीं जाते ना तो आप रुके रहो, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एनी वे. तो एंड आई हैड एन ऑफ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सो आई वाज ऑन स्लीप. तो आई टोल्ड हिम कि यू नो ही विल बी लीविंग अराउंड 10, तो ना यार आप 10 बजे तक तो रुक जाओ कम से कम. वो मत्था टेकेंगे एंड देन यू लीव आफ्टर दैट. बट वो सच में बहुत सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, एक एक वर्ड सुनते हैं. मैंने 10 बजे बोला और गुरुजी वहीं थे, बिल्कुल नहीं हिले वहाँ से, तुलसी जी पे बैठे रहे. एंड उनकी रोज़ और चंदन की खुशबू आ रही थी तुलसी जी में से, और मेरे बालकनी में कोई रोज़ प्लांट है ही नहीं. बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा महक थी, इतनी थी कि आई वाज लाइक वाज ड्रेंच्ड इन टोटली. एंड कि यू नो दिस इज़ लाइक ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. फिर मैंने बोला, फिर सनी वॉज लाइक रेडी टू गो टू वर्क. आई पैक्ड हिज लंच एंड ही वॉज अबाउट टू लीव. आई सेड मत्था टेक लो, आज्ञा ले लो बिकॉज यू आर गोइंग. अब तो बहुत देर तक रोक लिया है, नाउ गुरु जी विल बी लाइक इतनी देर हो गई, नाउ आई हैव टू गो, बहुत हो गया. सो लाइक ऑब्वियसली आई से कि आप रह जाओ, बट देन आई वॉज लाइक आई कान बी सो सेल्फिश. गुरु जी थैंक यू सो मच. नाउ सनी भी जाने वाले हैं, इन्होंने मत्था टेका एंड आई वॉज फीलिंग परफेक्टली फाइन बाय दैट टाइम. आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच, यू केम टू हील मी. ये बुखार नहीं उतर रहा था, पता नहीं कितनी मेडिसिन खाई, ठीक नहीं हो रही थी मैं. आपके एक बार आने से देखो मैं कितनी अच्छी हो गई, थैंक यू सो मच. एंड देन आई टोल्ड हिम गुरुजी वैसे तो हम आज्ञा लेते हैं ना आपसे, आपसे आज्ञा लेके जाते हैं ना आपके दरबार से. अभी मैं आपको कहूँगी कि आपका बहुत थैंक्स है आने का. मैं तो कहूँगी रुक जाओ, आई वॉज आँख मार के मैं तो कहूँगी रुक जाओ, पर कोई बात नहीं, आई कांट बी सो सेल्फिश. अब मैं बहुत अच्छी हो गई, प्लीज कीप कमिंग, ऐसे दर्शन देते रहना. अगर किसी और संगत को जरूरत है जैसे मेरी तरह बुला रही हो आपको, प्लीज आप आज्ञा ले लो. सॉरी आई एम नोबडी कि मैं आपको बोलूँ आप आज्ञा ले लो, हम लेते हैं. पर भक्त के वश में है भगवान, आप खुद बोलते हो. सो इफ यू वॉन्ट, इफ देर इज एनी संगत कॉलिंग यू इन नीड, इफ समवन इज अनवेल लाइक मी शाउटिंग आउट फॉर यू, प्लीज लीव गुरु जी, थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप कमिंग अगेन. And he left. The moment I said that, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी. And he left, he flew. I was like, wow, so sweet. आप ऐसे सुनते हो. See, this is like कोई कहेगा कि ये कैसा like kiddish वो है. But no, because I know कि मैं कितनी बीमार थी and how he healed me that whole night by his presence. You know, he heals us. And there is another satsang I'll share. Meri friend ka satsang hai ye. She's really a very close friend of mine. And this is her bahut purani problem hai uski ye ki usko na slip disc thi. Bahut major wali jo theek bhi nahi ho rahi thi. Because her spine was like, she used to do gymming. And I think she did it with the wrong posture ya kya kiya usne. Wo bahut zyada damage ho gayi and it bent like
towards the right. It was like essay. And she used to scream. She couldn't walk. She couldn't, you know, she was not comfortable doing anything. She couldn't drive. Nothing she could do on by herself. So, usko kisi ne bataya Guruji ka, aur maine bhi bola tha. So she was like, main jaungi. She's a Sikhni, Sardarni, bahut religious hai, bahut spiritual hai. Roz gurbani padhti hai. Roz uska nickname karna hi hai usne. So she was like, main zarur jaungi. If you're saying, I'll go, I'll definitely go to Guruji. She went to Bade Mandir, kisi se sunke, usko aur zyada ho gaya, kyunki unhone jo satsang share kare, she was like, wow, he's so miraculous. I'll go, I'll definitely go. So she went with whole faith. Usne doubt nahi kiya. Jaise kisi ko doubt hota hai jaane se pehle ki pata nahi kya hai Guruji, kaun hai, kaise hoga. Usne aisa kuch socha nahi. She went with an open mind. Vaiguru japti rehti hai pura time. So chali gayi wo. And jab wo ja rahi thi andar, she was in bad shape. Usko bahut pain tha piche. Her husband was with her and he was helping her out. Ki just be careful because you know you tend to slip down sometimes and hurt yourself. I don't want you to do that here. Because ye bahut divine jagah hai, to like be careful yaar. Kisi ko problem nahi honi chahiye hamari wajah se. We don't want to disturb the sevadars also. Although they are always there for help. So she was walking but dheere dheere karte karte andar gayi and sevadar uncle, I don't know who he was, we don't know. Aise sevadars ke through kabhi kabar Guruji message de dete. So he said, aunty aise ja rahi hai na andar, bahar aayegi na haste haste dekhna. Bol ke he went. Jai Guruji, koi help chahiye to batana uncle ko. And uncle smiled back and they went inside the darbar. She bent aake jaake matha teka. जैसे ही शी बेंट, जैसे ही उसने मत्था टेका, उसने बोला वाहेगुरु जी दया करो, कृपा करो, ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी, आई एम अ फॉलन सोल. शी जस्ट सेड दिस एंड द मोमेंट शी गॉट अप कि शुक्राना थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, हर स्पाइन इट वेंट फ्रॉम दैट टू दैट एंड शी कुड हियर लाइक एक प्रॉपर साउंड आई. शी वाज शॉक्ड. शी वाज लाइक, oh my god, what happened? Ye kaisa darbar hai? And she jumped out of joy. To wahan andar sevadar the, ye sachcha darbar hai. Usne bola ye sach khand hai. Samne baba nanak hai. She could see him on the gaddi. She could see him lying on the gaddi. And uski spine jo uski koi bhi theek nahi kar paya tha, itne acche acche doctors ko wo dikha chuki thi, itne kahan nahi gayi thi wo us treatment ke liye. And Guruji cured it in a jiffy like that. You know, मत्था टेका, वो कहती है मत्था टेका और प्रसाद दिया उन्होंने मुझे लाइफ. दिस इज लाइक, ये सचखंड है, ये कैसा दरबार है. बिकॉज वो चीखती थी पेन में, शी कुडंट डू एनीथिंग ऑन हर ओन, यू नो. एंड फ्रॉम दैट डे शी इज दीवानी ऑफ गुरु जी. वो इतनी भक्ति करती है और इतने सत्संग से हो चुके हैं उसके बाद से. शी इज बीन हील्ड बाय गुरु जी कम्प्लीटली. So this was, so it was instant, completely instant. कि उसने मत्था टेका और ये हुआ. सेवादार अंकल को वो भी हुआ कि यू नो दरबार में हाउ कम यू आर लाइक स्क्रीमिंग, क्या हो गया आंटी, रिलैक्स प्लीज काम डाउन, यहाँ पे शोर नहीं करते हैं, यहाँ पे सब मेडिटेट करते हैं. तो आप कहती हैं नहीं, जो मेरे साथ किया उन्होंने अभी, तो कोई भी नाचेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती थी. नाउ आई एम लाइक, एंड इवन हर हस्बैंड ही वॉज लाइक कम्प्लीटली सरप्राइज. बिकॉज उसने अपनी वाइफ को देखा था कि उसको हर स्टेज पे हेल्प चाहिए किसी. शी कैन नॉट डू एनी थिंग बाई हर सेल्फ एंड नाउ शी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. शी ड्राइव्स, शी डांसेस, शी डांसेस इन जॉय फॉर गुरु जी नाउ कि इन्होंने मुझे ठीक कर दिया, इन्होंने मेरी स्पाइन को ऐसे से ऐसे कोई नहीं ला पाया यार. और इन्होंने ट्र करके स्ट्रेट अवे, यू नो, ही डिड इट इन अ जिफी. थैंक यू सो मच, ये कितने स्वीट है. उसके बाद वो उनके गुन गाती है अभी तक. थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस ऑल. प्लीज अपना मेहर भरा हाथ अपनी संगत पे बनाए रखना. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.